की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये वो कातिल, वो हैवान, वो दरिंदा बेटा है जो एक हथौड़ा लेकर अपने माँ के रूम में पहुंचता है। माँ सो रही होती है और ये माँ के चेहरे पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किए जाता है और तब तक वार करता है जब तक माँ का सर पूरे तरीके से कुचल नहीं जाता, माँ की जान नहीं निकल जाती। उसके बाद हथौड़ा लेकर ये अपने छोटे भाई के रूम में पहुंचता है। छोटा भाई सो रहा होता है और वैसे ही हथौड़े से उसके चेहरे पर भी वार करता है और उसकी भी बेरहमी से जान ले लेता है। वहीं अपनी माँ और अपने भाई की जान लेने के बाद वो अपने तीन भाइयों और अपने पिता के ऊपर और हमला करता है, लेकिन उन लोगों की जान बच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, वही बेटा अपनी पूरी फैमिली के, अपने भाइयों की जान का दुश्मन क्यों बन गया और उसने अपनी माँ की और अपनी भाई की जान क्यों ले डाली? यकीनन पूरा मामला सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। कर रहे हैं अजमेर के बिनाया कस्बे की, वहाँ पर रहने वाला अमर चंद्र, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो अपनी फैमिली के साथ रहकर पढ़ाई किया करता था। अमर चंद्र की फैमिली में चार भाई और माता पिता थे। वहीं अमर चंद्र के दो बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। वहीं अमर चंद्र के पिता फर्नीचर का काम किया करते थे और वही फर्नीचर की कारीगरी उन्होंने अपने दो बड़े बच्चों को सिखाई थी। अजमेर में रहकर फर्नीचर का काम किया करते थे और माता पिता गांव में रहा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। वहीं अमरचंद्र दो साल से अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी कोई जॉब नहीं लग रही थी। और वही थोड़े ही दिन पहले पाँचों भाई अजमेर से गाँव आ जाते हैं, अपने माता पिता के पास आ जाते हैं और माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे अपने पाँचों बच्चों को देख कर। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। बुधवार की रात होता यूँ है कुछ, सब लोग एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। सब सो रहे होते हैं, रात के 2 बज रहे होते हैं, लेकिन रात के 2 बजे नहीं सोया था वो, रात के 2 बजे उठता है, अपने रूम से बाहर की तरफ आता है और वो घर के बाहर जाकर घर की पूरी बिजली काट देता है। बिजली काटने के बाद वो एक हथौड़ा उठाता है और हथौड़ा लेकर अपनी माँ के रूम में जाता है। माँ का नाम कमला देवी था, वो सो रही थी। उसके बाद वो हथौड़े से माँ के चेहरे पर वार कर माँ की जान ले लेता है। उसके बाद वो अपने छोटे भाई के रूम में जाता है और उसी हथौड़े से अपने भाई की भी जान ले लेता है। वो अपने तीन भाइयों और पिता की जान लेने के लिए उनके रूम में पहुंचता है, लेकिन ऊपर जाकर हमला करता है तो वो लोग बीच बचाव कर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाती हैं। चीख पुकार की आवाज़ घर से बाहर जा रही थी, मोहल्ले के लोग उठ चुके थे, पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे होने लगते हैं। तो अमर देखकर वहां से जान बचाकर भाग जाता है और उसके बाद पुलिस छापेमारी कर अमरचंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और अमरचंद्र से पूछती है कि तुमने अपनी माँ को और अपनी फैमिली के खून के प्यासे क्यों बन गए थे, तुम अपनी पूरी फैमिली को क्यों ख़त्म करना चाहते थे, क्या वजह थी? तो वो पुलिस को बताता है कि उसकी फैमिली उससे बोला करती थी कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, दोनों बड़े बेटे कमाते हैं, तुम 2 साल से मेहनत कर रहे हो, हमारा पैसा ख़राब कर रहे हो, हमने इतना तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर ली। और इसी बात से वो डिप्रेशन में आ चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर वो अपनी जान ले लेगा। आप ऐसे दरिंदे कातिल बेटे पर क्या बोलना चाहेंगे, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।